हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है दोपहर का समय और दिन है सैटरडे और मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच। बच रहे होंगे 7:30। तो सब रेडी वेडी करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे लंच बनाने। तो यहाँ पे मैं जो करेले होती है ना, उसकी भाजी बना रही हूँ, यानी कि करेले का फ्राई बना रही हूँ। तो करेले को काट के मैंने ना थोड़ा सा नमक दे के रख दिया था, उसके बाद थोड़ा सा उसको निचोड़ दिया। अगर प्याज देती हूँ तो फिर मैं वैसे नहीं करती हूँ, बस मैं आज कुरकुरी जो भाजी होती है ना वो बना रही हूँ। और साथ में मैंने चढ़ा रखा है दाल, तो इसलिए मैंने ना कटिंग करके करेले को थोड़ा सा नमक दे के रख दिया था, उसको फिर निचोड़ के और यहाँ पर तेल में रख दी हूँ। और अच्छे से फ्राई कर लूँगी एकदम गोल्डन ब्राउन करके, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छी लगती है खाने में। और एक करेला यहाँ पे मेरा छूट गया है। और सबकी छुट्टी चल रही है क्योंकि यहाँ पे बिहू में ना सबको छुट्टी रहती है। ईद के बाद भी ईद की भी छुट्टी है और फिर यहाँ पे असम में बिहू बहुत बड़ा फेस्टिवल है यहाँ का, इस वजह से सबकी छुट्टी है। अच्छा खासा ही छुट्टी मिला है। और यहाँ पे मैं साथ में आलू भी छील रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू परवल और सोयाबीन की सब्जी, इस वजह से। तो आलू वालू को मैंने बॉईल करके रख लिया था। और आप लोगों को तो पता ही है, कपड़े वपड़े जब मैं ढाने जाती हूँ तभी दाल चावल धो के रख देती हूँ, तो इससे फटाफट से मेरा काम हो जाता है। और बहुत सारे आज कपड़े धुले हैं घर की, मतलब क्लीनिंग तो ऐसी क्लीनिंग नहीं, लेकिन हाँ कपड़े आज बहुत दिन बाद, 4-5 दिन बाद तो जानते हो ना बहुत सारा कपड़ा निकल जाता है। इस वजह से मेरा आज बहुत लेट हुआ है खाना बनाने आने में भी, सबके घर पर भी थे तो थोड़ा लेट उठना भी हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे मेरा जो करेला है ना अच्छे से फ्राई हो चुका था, साथ में मेरा दाल भी बन चुका था, मेरी चावल भी बन चुकी है। पहले में मैंने सबसे पहले मैं दाल चावल ही चढ़ा दी थी, तो चावल में उतर चुका है, दाल भी मैंने बना ही लिया है। तो थोड़ा सा दाल ना गाढ़ी गाढ़ी सी थी, तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी दे रही हूँ, दाल में ना हमेशा गर्म पानी देना चाहिए। और यहाँ पर मेरा करेला भी फ्राई हो चुका है। और बाहर में पता है क्या हो रहा है, तो सबको खेल रहे हैं क्रिकेट, तो मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। यहाँ पे देखो इन लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं बोली चलो थोड़ा सा ये भी मैं शूट कर लूँ। इन लोग चिल्ला रहे थे कि ना मम्मी ना मत लो, लेकिन उन्हें चलो थोड़ा सा लेने दो, हर बार से मैं अकेले अकेले तो वीडियो में दिखती हूँ इस वजह से। तो थोड़ा सा इन लोग की भी मस्ती मैं आप लोग के साथ शेयर की है। उन लोग वहाँ पर खेल रहे थे तो मैं खाना बना रही थी, तो मेरा खाना बन ही चुका था। दाल चावल परवल की भाजी, करेले की फ्राई है, सोयाबीन आलू पटे की सब्जी है, धनिया की चटनी है, नींबू है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो मेरा खाना ये सब खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, आप लोगों को तो पता है, सब रेडी वेडी करो फटक से बना दो जाके। लहसुन प्याज अगर छीलना जाए तो बहुत टाइम लगता है, तो चलो आप लोग भी आइए खा लीजिए हम लोग के साथ। सो फ्रेंड्स, खाना पीना खा के फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट लेने लग गई थी क्योंकि इतने सारे कपड़े धोने थे ना, और बेडशीट वेडशीट भी बिछाना था। सो मैं एक रूम का बेडशीट वेडशीट भी खाना बनाते बनाते वो सब भी की थी, पर मैं सब सूट नहीं की हूँ कि हर बार वही सब क्या दिखाना। तो एकदम ये है शाम का समय और पूजा वूजा करके मैं आ गई हूँ चाय बनाने। आइए आप लोग भी पीजिए चाय। और ना जिस दिन थोड़े कपड़े धुलो चाहे सब कोई घर पे रहते ना, इधर उधर होके बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, पर टाइम का पता नहीं चलता है वेस्ट क्या हो जाता है। तो मैं फिर कपड़े सपड़े लेके आई थी, सब तय वय की हूँ शाम का, और यहाँ पे बना रही हूँ शाम की चाय। आइए आप लोग भी पी लीजिए शाम की चाय। उसके बाद मुझे और दूसरे रूम का भी जो है ना बेडशीट वेडशीट बिछाना है क्योंकि मुझे मन नहीं किया, तो मैं थोड़ा लेट गई थी क्योंकि थोड़ी सी गर्मी गर्मी सी पड़ गई है अब हमारे यहाँ भी, तो थकान सी लग जाती है, मन करता है कि ना दोपहर को थोड़ा सा लेट जाए इस वजह से। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए, शाम की चाय है और साथ में मूढ़ी जो बोलते हैं ना मुरमुरे वो है या भुजिया है। तो शाम को ना मतलब मन करता है कि हाँ एकदम अच्छा सा कड़क सा चाय बना के पियो, क्योंकि सुबह में एक बार ही चाय पीती हूँ इस वजह से। इसके पापा तो कह रहे थे रहने तो सबको बच्चे मिल से पिए, तो हम लोग भी वही पी लेते हैं। ना मुझे तो चाय पीनी है क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा आदत है सुबह या शाम को थोड़ा सा चाय पीने का। उसके बाद मैं बनाने लग गई यहाँ पे बच्चों के लिए मिल शेक। और नित्यम नहीं था यहाँ पे, जो चरक मेला होता है ना, पता नहीं सब जगह होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पे हमारे यहाँ ना चरक पूजा होता है। जैसे कामाख्या मंदिर में जो बहुत सारे सिद्धि तांत्रिक वांत्रिक आते हैं ना, तो यहाँ पे भी वो छोटा सा पूजा होता है, तो उसका ही मेला लगा था। तो नित्यम वहीं घूमने गया था, तो गुरु कह रहा था नहीं भैया को आने दीजिए फिर मैं पीऊँगा, फिर उसका बहुत लेट हो रहा था आने में, तो बोल रहा कि ठीक है मम्मी आप मेरे लिए बना दो। तो मैं उसके लिए बनाना शेक बना रही हूँ, बस सिंपल सा ही है लेकिन थोड़ा यमी कर दिया है उसको, डेयरी मिल्क दे दिया है, थोड़ा दूध चीनी और बनाना दे के मैं यहाँ पर मिल्क शेक बना रही हूँ। एक यमी सा मिल्क शेक बन के रेडी हो गया था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था और थोड़ा सा मैंने भी चखा था, और इसमें आइसक्रीम दे दो तो और भी अच्छा लगेगा। ये आप लोग भी पी लीजिए। उसके बाद मैं जाऊँगी शाम का काम करने क्योंकि सुबह मैंने कुछ बेडशीट वेडशीट ठीक नहीं की थी। सो फ्रेंड्स, चाय वाय पी के यहाँ आ गए हैं, बोले चलो मैं पीले कोवर लगा दूँ, तो ये आके यहाँ पे पीले कोवर लगा रहे थे। मैं तब तो बेडशीट वैसे ठीक करूँगी, और वो वहाँ पे जो बिछाने वाला है ना, तो मैंने जुगाड़ू किया है क्योंकि अभी आप लोगों को पता है हम लोग का नया घर है, तो फर्नीचर वर्नीचर भी उतना नहीं हुआ है,
तो ना बच्चे ना सारे दिन बिस्तर पे ना एकदम बिस्तर को ना ऐसा गंदा कर देते हैं। तो मम्मी मुझे ना एक खेता टाइप का जो कहते हैं ना वो दी थी, तो उसमें मैंने चादर का कवर बनवाया इसकी बड़ी मम्मी से, और ऐसे बिछा दिया कि तुम लोग अब यहीं बैठना यहीं खेलना। और फिर यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज करने लग गई हूँ, और ब्लैंकेट भी था एक, वो भी रख दूंगी अब, क्योंकि ना आके मैंने जाने से पहले एक ब्लैंकेट रख दिया था, आके फिर एक ब्लैंकेट रखा है। लेकिन यहाँ पे तो पता ही है मौसम कैसा रहता है, कभी अचानक से ठंड भी पड़ जाती है, इसलिए मैंने ना एक ब्लैंकेट ऊपर ही रखा था इमरजेंसी के लिए। लेकिन हाँ, 2-4 दिन से यहाँ पर भी अच्छी खासी गर्मी जो बोलती है ना वो लग गई है, पड़ने लग गई है। तो मैंने चलो अब ब्लैंकेट सबको टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है, अब तो चादर भी ओढ़ने का मन भी नहीं करता है। तो शाम को हम लोग यही काम करने लग गए थे, और जैसा है छोटा सा घर है जैसा भी है हम लोग उसको ही सजा के रखना चाहते हैं, क्योंकि ना घर अच्छा लगे ना तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ कुछ मतलब ऐसे करते रहने के लिए। तो मैं बैठे बैठे सोच रही थी क्या करूँ, तो बस वो उसको बिछा दिया है, तो ऐसे घर भी सुंदर लग रहा है। आपको कमेंट के बताना कैसा लगा। तो क्या करूँ, हाउस वाइफ हूँ, यहाँ वहाँ भी जा भी तो नहीं सकती हूँ, रोज़ आपके साथ यही शेयर करूँगी ना घर के काम और यही सब। चलो लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करना, आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता आप लोग कमेंट करके बताना। उसके बाद फिर थोड़ा सा आई मैं बेड वेड से ठीक करके, और इधर उधर करते करते टाइम हो ही जाता है, तो आटा वाटा लगाया, फिर बैठी थोड़ा सा बात बात की है, हम लोग सबको ही क्रिकेट विकेट देख रहे थे बच्चे। तो फिर मैं बनाने लगा यहाँ पे रोटी, क्योंकि 8:30 बज चुका था, तो मैं चलो अब रोटी वोटी बना लेती हूँ, क्योंकि ना फिर मैं रात को सफाई भी कर लेती हूँ ना, तो मुझे टाइम लग जाता है खाते बना के खिलाने में, सफाई वफाई करने में, क्योंकि कुछ काम मैं रात को ही करके फिनिश करके रखती हूँ, तो ताकि मुझे सुबह ना सुविधा हो, नहीं तो फिर अकेले ही करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं 8:30 बजे रोटी बनाने आ गई हूँ, और सबको खिलाऊँगी, बर्तन वर्तन साफ करूँगी। सो फ्रेंड्स, सबको खिला पिला के यहाँ पे मैंने किचन को कर दिया है क्लीन, बर्तन वर्तन सब मेरा सफा हो चुका है, और ये कुछ डब्बे धोए थे तो ऐसे मैं रख देती हूँ। यहाँ पे एक लोटकी पानी है, मम्मी कहती है रात को किचन में पानी रख देना चाहिए, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ सुना है, तो मैं रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने सुबह के लिए छोले भी भिगो दिए हैं, तो रात को कुछ कुछ ऐसी छोटी मोटी तैयारी करके रख देने से ना सुबह अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धोल के रखे हैं, यहाँ पे है पूजा का बर्तन भी मैंने रात को ही धो लिया है, क्योंकि सुबह उठ के मैं नहा के पहले पूजा वूजा करके ही फिर नाश्ता वास्ता बनाऊँगी, क्योंकि किसी का स्कूल नहीं है, और स्कूल नहीं रहने से ना ये लोग बहुत लेट उठते हैं, तो मेरा बहुत लेट होता है, ऐसे ही 11 बजता है, नहीं तो फिर 12 बज जाएगा, मतलब सच वाला 12। इस वजह से मैं सुबह उठूँगी, अपना संडे है तो क्या हुआ, हम लोग का संडे तो है नहीं ना, तो सुबह उठूँगी और फिर जाके अपना नहा वहा के पूजा करूँगी। तो इसलिए मैंने रात को ही बर्तन वर्तन धो के रख दिया, ताकि सुबह उठो तो जल्दी जल्दी से हो जाए। आई लोग खा पी के घूमने गए थे, और आके देखने क्रिकेट, मैं बोल रही जाओ बिस्तर वस्तर लगाओ, तो लेकिन नहीं, इन लोगों को मैच देखने का तो भूत है, तो इन लोग यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं मैच। तो मैं अपना किचन विचन क्लीन कर ली हूँ, फिर आऊँगी, फिर अपना यहाँ पर बेड वेड लगा लूँगी, और फिर ऐसे करके रात हो जाती है, सुबह से शाम कब होती है, शाम से रात पता ही नहीं चलता है। तो बेडशीट मैंने बेड वेड मैंने लगा लिया है, क्योंकि हम लोग मस्कीटो नेट लगा के सोते हैं, नहीं तो बहुत मच्छर रात को नींद पे हमला कर देंगे। उसके बाद मैं हाथ मुँह धो के आ गई हूँ, और थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ, बस ऐसी थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा एलोवेरा, और सुबह से तो भाग दौड़ लगी रहती है, तो रात को थोड़ा सा हाथ मुँह धो के सो कुछ लगा लो तो अच्छा लगता है, खुद को भी सुबह सुबह फ्रेशनेस सा फील होता है। तो मैं रात को मैं ऐसे थोड़ा सा गुलाब जल से स्प्रे कर लेती हूँ, मन करता है तो, या तो एलोवेरा तो मेरा कंपलसरी है, लगा के सोती हूँ। उसके बाद कंघी भी कर लूँगी अच्छे से, अच्छा से मतलब टाइट से छोटी कर लूँगी, ताकि रात को गर्मी ना लगे, क्योंकि अब गर्मी पड़ गई है इस वजह से। और ये छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तो कमेंट कर बताना कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।